हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शैलेश कपूर। और जैसा हम लोग आप लोग जानते हैं, हम लोग फिज़िक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे 10th क्लास का। ऑलरेडी दो वीडियोस के अपलोड हो चुके हैं, आज तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की और ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि ओम्स लॉ ही वो लॉ है जो वोल्टेज और करंट को आपस में कनेक्ट करता है। वोल्टेज और करंट का कनेक्शन हम ओम्स लॉ के थ्रू ही समझ सकते हैं। ओके, चलिए ओम्स लॉ को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। ये एक्सपेरिमेंट एक जर्मन फिजिस्ट ने किया था। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय जर्मन फिजिस्ट जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्हीं के सरनेम पर ओम्स लॉ का नाम पड़ा है। जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझते हैं उन्होंने क्या किया था, किस लिए किया था, करंट और वोल्टेज के रिलेशन को स्टडी करने के लिए। देखिए उन्होंने क्या किया, कोई भी एक रजिस्टर ले लिया, कोई भी एक तार का टुकड़ा ले लिया। ठीक है, रजिस्टर को हम अपने सर्किट डायग्राम में इस तरह से दिखाते हैं। दिस इज निक्रोम वायर भी हो सकती है। ठीक है, एनी मटेरियल दैट अलाउ द करंट बट ऑल्सो अपोजिट। सो यहाँ पर हम इसको एक रजिस्टर की तरह ट्रीट करेंगे। इस पाथ में उन्होंने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी जिससे वो अलग अलग वैरायटी ऑफ करंट ले सकते थे। यहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टेंस रियोस्टैट कहा जाता है, और रियोस्टैट इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम इसके वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बैटरी के वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम जितना चाहें कम ज़्यादा वोल्टेज इससे ले सकते हैं। करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया, दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज एमीटर। और ये जो भी हमारा एक रजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया गया वोल्टेज को मेज़र करने के लिए। ठीक है, एक की भी हम लगा सकते हैं, तो लेट अस इंस्टॉल अ की हेयर। ये एक की लगाइए, अभी ये ऑफ कर देते हैं। ये एमीटर का क्या काम है, एमीटर करंट को मेज़र करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेज़र करता है। ओके, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना दिया। ये क्या है, रजिस्टर है। रजिस्टर की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, एक कोई भी आप वायर का पीस लगा सकते थे, क्योंकि वायर का पीस कुछ ना कुछ करंट को पास भी करता है और कुछ अपोजिशन भी ऑफर करता है। ओके, दिस वाज एक्सपेरिमेंटल सेटअप मेड बाय जॉर्ज साइमन ओम। चलिए, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, सेटअप किया, और उसके बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन नोट करी। ये की कौन करते हैं, फर्स्ट स्टेप पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने वोल्टेज को काफ़ी लो करा। इस बैटरी को ऐसे सेट करा कि इसका वोल्टेज काफ़ी लो है, और ये की को इंसर्ट करा। की को इंसर्ट करते ही ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करेंगे, रजिस्टर से पास होंगे, वोल्टमीटर में कुछ रीडिंग देगा वोल्टेज की और कुछ एमीटर देगा। तो उन्होंने ये पाया कि करंट की जो रीडिंग आ रही है से 120 मिली एम्पियर, उन्होंने ये रीडिंग एमीटर ने दिखा दी। इसको आप चेंज करेंगे तो इट इज़ 0.12। ये आपको बता दिया है 1 मिली एम्पियर इज़ बेसिकली इक्वल टू 10^-3 एम्पियर। इस टाइम पर उन्होंने वोल्ट मीटर को ऑब्जर्व किया। व्हेन ही ऑब्जर्व द एमीटर, द करंट वाज गिवन अ रीडिंग ऑफ 0.12 एम्पियर। जबकि वोल्ट मीटर को ऑब्जर्व करने पर उसकी जो रीडिंग आ रही थी दैट वाज 0.3 वोल्ट। यानी कि यहाँ पर इस डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज का कंज्यूम हुआ, वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, वो 0.3 वोल्ट आ रहा था। ओके, अब उन्होंने क्या करा, इस रेजिस्टेंस को, वेरिएबल रेजिस्टेंस को, रियोस्टेट को एडजस्ट किया, सेट किया, इस तरह सेट किया कि ये बैटरी अब जो है वोल्टेज जो शो कर रही है थोड़ा सा ज़्यादा, इसका रेजिस्टेंस को वीक कर दिया ताकि ज़्यादा करंट पास करने दिया जाए। ठीक है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस से हम क्या कर रहे हैं, बैटरी के स्ट्रेंथ को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अभी आप यूँ समझ लीजिए, बैटरी के स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, ये जो रेजिस्टेंस है इसको थोड़ा कम कर दिया, वीक कर दिया, ताकि करंट आराम से पास हुआ। फिर उन्होंने सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये ऑब्जर्व करी कि जब हम ऐसा करते हैं, रियोस्टेट को एडजस्ट करते हैं, तो सेकेंड रीडिंग जो हमें करंट की मिल रही है वो अप्रॉक्सीमेट 0.2 एम्पियर हो गई, 0.20 एम्पियर। पहले 0.12 थी, अब बढ़ गई है, मतलब रेजिस्टेंस को थोड़ा वीक किया है,
रेजिस्टेंस को थोड़ा लेस किया है जिससे करंट ज़्यादा पास हो रहा है। जब करंट ज़्यादा पास हो रहा है तो उन्होंने वोल्ट मीटर की रीडिंग ऑब्जर्व करी। ही ऑब्जर्व दैट वोल्ट मीटर शोइंग द रीडिंग ऑफ 0.5 वोल्ट ऑब्जर्व करें ध्यान से तो 0.3 की जगह 0.5 वोल्टेज होने पर करंट की वैल्यू भी बढ़ गई है। ठीक है, चलिए एक और बार इसको एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश करी। तीसरे थर्ड टाइम पे क्या किया गया, फिर दोबारा से रेजिस्टेंस को लो किया गया, इसको एडजस्ट किया गया सच दैट ज़्यादा करंट पहले से भी पास होने हो, इसको वीक किया गया। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अब जो करंट आ रहा है दैट I3 इज 300 mA और वी कैन से 0.3 एम्पियर। और उस टाइम पर जो वोल्ट मीटर, ये सारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, जो जो एम मीटर दिखा रहा है, जो जो वोल्ट मीटर दिखा रहा है, वो उन्होंने रीडिंग नोट कर ली। ये मैं एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो एक एग्जाम्पल से उठा रहा हूँ वैल्यूज़ का। और वोल्टेज थी 0.75 वोल्ट। ओके, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा जरा इसको और देखते हैं। उन्होंने देखा कि ये तो एक्सपेरिमेंट यहाँ से आपको भी दिख रहा है कि जैसे जैसे वोल्टेज 0.3 से 0.5 हुई, करंट की वैल्यू 0.12 से 0.20 गई, वोल्टेज 0.5 से 0.75 करी और बढ़ा दी तो करंट भी और बढ़ गया। तो उनको साफ पता लग गया कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है। और यही मैं आपको लास्ट क्लास में समझा रहा था कि वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एक ड्राइविंग फोर्स है, यही वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को भगाता है। इलेक्ट्रॉन को अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी चलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी चलेंगे तो I इज इक्वल टू करंट का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, I इज इक्वल टू अगर फोर्स बढ़ गया तो जल्दी जल्दी चलेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, टाइम कम लग जाएगा। फोर्स बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन जल्दी भागेंगे, टाइम कम लगेगा, करंट बढ़ जाएगा, यही यहाँ दिख रहा है। आज तो पढ़ना बहुत आसान है लेकिन फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को रिलेट करना पहली बार बहुत मुश्किल हुआ। तो जॉर्ज फिजिस्ट साइमन ओम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दिया वोल्टेज और करंट के बीच में, उसी को हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो आइए लिखते हैं ओम्स लॉ। इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही गिवन द फेमस लॉ नोन एज ओम्स लॉ। ये सारा एक्सपेरिमेंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर था, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ़ यू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या रोल है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर आप समझ लीजिए अगर टेम्परेचर बड़ी चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा। फिलहाल ये पूरा सेटअप एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया गया था। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ही ऑब्जर्व द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। This was Ohm's law. According to Ohm's law, across the conductor. According to Ohm's law, अगर आपने temperature को constant रखा है, the current जो pass करेगा conductor से, ये जो इसमें से पास करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे। कई बार बच्चे उल्टा लिख देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू करंट, वो थोड़ा स्टेटमेंट ठीक नहीं है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस करंट पर डिपेंड नहीं करता, करंट पोटेंशियल डिफरेंस पर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आपने सेल बैटरी कितने वोल्टेज का लगाया उसी हिसाब से करंट बनेगा। दिस वॉज ओम्स लॉ। इन मैथमेटिकल फॉर्म वी कैन राइट करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अभी इतना नोट कर सकते हैं आप। ओम्स ने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये आपको एक लॉ दिया, चेक कर लेते हैं। हाँ देख रहे, गुड। एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली, करंट जो पास कर रहा है कंडक्टर से वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पर।
ठीक है ना, करंट को पैदा करने वाला कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट को बनाने वाला कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा उन्होंने रियोस्टेट को एडजस्ट करके पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो चेंज किया, उतना करंट ज़्यादा। चलो कुछ और इंटरेस्टिंग बातें इस सेटअप से समझते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से वैल्यूज़ को देखना शुरू करें तो हमें कुछ और रिजल्ट भी मिलते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ स्पेस ले लेते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपको पता लगेगी। चलिए ये कुछ करंट की वैल्यू है, ये कुछ वोल्टेज की वैल्यू है। एक काम करते हैं, ये जो वोल्टेज है और ये करंट है इसका रेशियो निकालते हैं। फर्स्ट केस में वोल्टेज है V1 एंड करंट इज I1। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 0.3 वॉट, वैल्यू ऑफ करंट इज 0.12 एम्पीयर। चलिए चेंज करते हैं इसको, ये पॉइंट कैंसिल हो गया, एक 10 ऊपर लग जाएगा। ये 100 का लगना था ना, ये 100 लगेगा पॉइंट का, एक 10 लगेगा, तो अल्टीमेटली एक 0 कैंसिल हो गया तो 10 लग गया। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, 3 1 3 4 तो 10/4 हमें एक रेशो मिला 2.5। ओके, अगर हम इसी डाटा की बात करें तो हमें ये पहले केस में V1/I1 का रेशो मिला। ओके, नाउ V2 और I2, इफ़ यू टुक द वैल्यू एज V2 एंड I2 इस एक्सपेरिमेंट की, लेट अस थिंक द वैल्यू ऑफ V2 इज 0.5 वॉल्ट एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज 0.20 एम्पीयर। ओके, यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करते हैं तो इंटरेस्टिंगली ये भी वैल्यू 2.55 है। वोल्टेज बढ़ गया, करंट बढ़ गया, लेकिन उनका रेशो सेम है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। वो वैल्यू जो वोल्टेज और करंट, मतलब बैटरी और करंट पे डिपेंड नहीं करी, वो फिक्स्ड है, कुछ और चीज़। चलिए लेट अस चेक द थर्ड वैल्यू, V3/I3 इज इक्वल टू 0.75/0.3 मिली एम्पीयर। यहाँ भी डेसिमल कैंसिल करते हैं, यहाँ इंटू 10 लगाते हैं, सॉरी नीचे इंटू 10 लगा देंगे, एक इंटू 10 लगा देते हैं, ऊपर दो प्लेस हैं, तो इट विल बिकम अगेन 2.5। क्या देखने को मिल रहा है एक्सपेरिमेंटल सेटअप से, देखने को ये मिल रहा है कि बेशक आप वोल्टेज और करंट को बढ़ा रहे हैं लेकिन उनका रेशो सेम है। तो इसके लॉ में हमने ये देखा, और कुछ एक वैल्यू है, अगर आप यहाँ पर ऐसे देखें V/I का रेशो एक कांस्टेंट है और आई को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, देन यू विल गेट वी। सो इसको हम लिख सकते हैं, सो आई इंटू सम कांस्टेंट दैट इज नोन एज आर इज इक्वल टू वी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आई, दिस आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। सो फाइनली इस लॉ को हम लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू V/I, वेयर आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस, ये क्या है रेजिस्टेंस? कोई भी कंडक्टर अपने अंदर से जब करंट को अलाउड करता है, इलेक्ट्रॉन जब चल के जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ अपोजिशन ज़रूर ऑफर करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तक हमारे पास कुछ भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे डिवाइसेस नहीं है जिसमें से करंट 100% पास हो जाए। कुछ ना कुछ सामने से जो हमारा कंडक्टर है या जो भी हमने सर्किट में लगाया, वो आपको कुछ ना कुछ अपोजिशन ऑफर करता है, वो अपोजिशन है रेजिस्टेंस। और V/I इक्वल टू आर देता है, और ये वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विच इज़ अ कांस्टेंट। और डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको नोट करिए। तो अगर मैथमेटिकल फॉर्म में जाना है तो आप ओम्स लॉ में यहाँ तक लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू V/I। ये यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, सो विच इम्प्लाइज अल्टीमेटली आर इज इक्वल टू V/I। ओम्स ने ये पाया कि करंट वोल्टेज पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक वैल्यू और आ रही है जिससे मल्टीप्लाई करने पर एक्चुअली वोल्टेज मिलती है, दैट वैल्यू इज नोन एज रेजिस्टेंस, जो पूरे एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट है क्योंकि ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, चलिए इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ओम्स लॉ का कैसा बनेगा इसी डाटा को लेकर। अगर हम एक रफली ग्राफ प्लॉट करते हैं या रफली बनाते हैं डाटा को लेकर, तो अगर हम अलग अलग वोल्टेज, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ,
अगर हम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, पोटेंशियल डिफरेंस को वाई एक्सिस पर और इसको एक्स एक्सिस पर लेकर जो अलग अलग वैल्यूज़ एक्सपेरिमेंट में आई, कोई भी आप खुद भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर सकते हैं ये वाला, और वैल्यूज़ बनाते हैं तो हम ये देखते हैं आई वन आई टू और करंट की आई थ्री वैल्यूज़ हैं, वी वन वी टू और वी थ्री करंट की रीडिंग लेकर, वोल्टेज रीडिंग लेकर हम कुछ वैल्यूज ग्राफ को प्लॉट करते हैं, जैसे अभी हमने ये डाटा लिया था उस हिसाब से भी। सो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि इसका ग्राफ किसका, ओम्स लॉ का ग्राफ या किसी भी कंडक्टर का ग्राफ जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, वी ऑलवेज सी कि ये एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये हमें याद रखना है, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, या जो भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, जो आपका करंट आई एक्सिस पर किसी एंगल पर झुका होता है। सो वी कैन राइट दिस इंफॉर्मेशन एज ग्राफ ऑफ, या वी आई ग्राफ, बेटर टू राइट एज वी आई ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ओके, इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। जो भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे करंट भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, जैसे जैसे उनमें वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या कुछ ऐसे कंडक्टर्स भी हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जिसमें हम वोल्टेज और करंट को देखें कि वो सेम रेशियो में ना बढ़े, यानी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिले? यस, ऐसे भी कुछ कंडक्टर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं, अपने नोट्स पे छोटी सी बात में लिख डाल दीजिए, नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर्स में आप ये पाएंगे कि उनका ग्राफ ऐसा एक कर्व जाता है, ठीक है। कोई एग्जांपल अगर आपको देना हो तो आजकल आपके घरों में एलईडी जो यूज़ हो रहे हैं काफ़ी कम वोल्टेज पर करंट देते हैं, तो ये सब एक डायोड होते हैं, तो आप सिर्फ इसमें एक जंक्शन डायोड ये एग्जांपल लिख सकते हैं। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो कंडक्टर होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ कंडक्टर ऐसे भी हैं। चलिए इसी की बात को आगे करते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ओम्स लॉ का स्लोप हमें क्या दे रहा है, स्लोप ये वाला एंगल हमें क्या दे रहा है, स्लोप मतलब ये वाला, ये जो एंगल बना रहा है ये, तो स्लोप के लिए हम इस ट्रायंगल में जाते हैं। ये पूरी हाइट है V3, ये हाइट है V2, तो दिस हाइट दिस मस्ट बी V2 माइनस V1, दैट इज चेंज ऑफ वोल्टेज, ओके। यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज, आप कोई भी ले सकते थे ट्रायंगल, ये ले सकते थे, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते थे, ये भी ले सकते थे, हमने ये चूज़ कर लिया। दिस इज I3 माइनस I2, ओके। नाउ अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर चलें, ये ट्रायंगल के अंदर, तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ ऑल्सो नोन एज टैन थीटा, और अभी आप ट्रिगनोमेट्री पढ़ेंगे, टैन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन दैट ट्राइंगल स्लोप दैट इज टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस V2 माइनस V1 इज नथिंग बट V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, दैट इज स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिविंग यू डेल्टा V चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट तो ऑलरेडी एक क्वांटिटी हमने बना रखी है, दैट इज रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन करंट, और चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट इज रेजिस्टेंस। सो स्लोप विल गिव यू रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप याद कर लीजिए कि वी आई ग्राफ का स्लोप, जब भी वी आई ग्राफ होगा तो उसका स्लोप आपको क्या देगा, रेजिस्टेंस। नोट कर लीजिए, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ gives resistance of conductor, resistance क्या है, current को oppose करने की property conductor की, वो slope से मिलेगा।
ओके, इसका मतलब जब जब स्लोप एक जैसा, जैसा कि इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, कहीं पर भी आप थीटा या स्लोप निकालिए, हमेशा स्लोप एक जैसा। तो जब जब स्लोप एक जैसा, तब तब रेजिस्टेंस एक जैसा। एक जैसा मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट। अगर स्लोप बदल रहा है, इस ग्राफ में देखिए स्लोप बदल रहा है, स्लोप बदल रहा है, तो स्लोप आपको देता रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस भी बदल रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस लगातार चेंज हो रहा है। और जबकि ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट, इसीलिए ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो स्लोप आपको वीआई ग्राफ का क्या देता है, रेजिस्टेंस। स्लोप एक जैसा, इट मींस रेजिस्टेंस एक जैसा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन देखिए। वीआई आपको बोल रहे हैं कि हमने दो अलग अलग मटेरियल लेकर उनका एक्सपेरिमेंट सेटअप करा, वहां से वोल्टेज और करंट की वैल्यू आई और ये ग्राफ मिला। इन आपसे पूछ रहे हैं किसका रेजिस्टेंस, ए का और बी का, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यू हैव टू फाइंड आउट। तो बिल्कुल सिंपल, वी आई ग्राफ में जो स्लोप है, ये वाला स्लोप, ये एंगल ग्राफ ए आपका करंट एक्सिस के साथ ही एक्सिस बना रहा है, जबकि ये वाला एंगल एक बड़ा एंगल आपका बी ग्राफ बना रहा है। तो यहाँ से क्लियर है कि थीटा ए या टैन थीटा, दिस इज स्लोप, टैन थीटा बी ज़्यादा है टैन थीटा ए से, एंगल बड़ा है। और अगर एंगल बड़ा है, थीटा बड़ा है, तो टैन थीटा बड़ा हो जाएगा, तो उसका स्लोप आपको रेजिस्टेंस देता है। तो रेजिस्टेंस बी का रेजिस्टेंस ए से ज़्यादा है। कौन सा गुड कंडक्टर है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब ये करंट को अपोजिशन नहीं करता, दिस इज़ अ गुड कंडक्टर। सो वी कैन से ए इज़ अ गुड कंडक्टर देन बी, ए इज़ अ गुड कंडक्टर देन बी। ओके, नोट कीजिए, नोट कीजिए। कभी कभी हमें ग्राफ उल्टा दे देता है, बहुत कंफ्यूजन के लिए बहुत बार ऐसा होता है, यहाँ लिख देंगे आई और यहाँ लिख देंगे वी, अब ये उल्टा हो गया। ओके, अब ये वी अपॉन आई नहीं है, आई बाय वी है, जबकि वी अपॉन आई रेजिस्टेंस देता है। तो इट मींस अब यहाँ पर जिसका थीटा कम है, थीटा ए का थीटा भी कम है, तो टैन थीटा ए भी लेस होगा टैन थीटा बी से। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपने आई वी ग्राफ कर दिया, तो ये रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। तो जिसका थीटा कम है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये उल्टे वाला भी याद रखना, जब ये उल्टा हो जाएगा तो ग्राफ भी